एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का जो वीडियो है, इसमें मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे एक ऐसा वीडियो बनाना है, वो इसलिए क्योंकि उसके पीछे भी एक रीज़न है। अभी कुछ टाइम तक मेरे व्लॉग्स नहीं आएंगे। क्या बोला तूने? उसका रीज़न ये है कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। सो उसका रीज़न ये है कि अभी मैं विंडो के पास बैठूँ ना, तो यहाँ शोर बहुत आता है, तो आप इग्नोर करना। सो मेरा आई का ऑपरेशन होने वाला है, आपको सुनकर शॉक लगा होगा शायद। सो एक्चुअली क्या है कि जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला था ना, तो मुझे भी ऐसे ही शॉक लगा था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मतलब ऐसा कुछ मेरे साथ होगा। तो मैं दो दिन तक शॉक में थी कि ये क्या हो गया, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था ना कि ऐसा कुछ होने वाला है, लाइक ऐसा कुछ भी। तो कोई भी होगा तो शॉक में तो जाएगा ही ना। दो दिन तक मैं शॉक में थी, उसके बाद तो सब नॉर्मल हो गया था। तो आपने देखा होगा हम काफ़ी बार शिमला जाते थे, तो उसके पीछे यही रीज़न था। मैं अपने आई के चेकअप के लिए जाती थी, बट उस टाइम पे मैंने कुछ भी बताया नहीं था। तो मैंने सोचा था कि इस पर एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, तब आप लोगों से शेयर करूंगी। पहले मैंने ये भी सोचा था कि मैं नहीं बोलूँगी, मतलब कि शेयर नहीं करूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना शेयर करूँ, वैसे भी मैं आपको हर चीज़ दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे ये बात भी बतानी चाहिए। और क्योंकि अभी कुछ टाइम तक व्लॉग्स नहीं आएंगे, तो आप लोग पूछोगे कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रही है, क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। मुझे लगा कि मैं क्यों छुपाऊँ, बस ये बात थी, तो इसलिए मुझे तो वैसे भी बताना ही था। और अभी आई थिंक 3 या 4 मंथ्स हुए हैं। उससे पहले मुझे पता चला था कि मुझे ऐसा ऐसा आई में कोई प्रॉब्लम है, वो भी मुझे फिर पता चला जब मैंने अपनी राइट वाली आई मैंने क्लोज़ करी, फिर मुझे पता चला कि सॉरी राइट नहीं लेफ्ट वाली मैंने क्लोज़ करी, फिर मुझे पता चला कि मुझे राइट आई से ब्लर दिख रहा है। वैसे तो मुझे पता ही नहीं चलता सीरियसली, क्योंकि अब भी जैसे मैं देख रही हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ऐसे पता नहीं चलता है। जब मैं ये वाली आई अपनी बंद करूँगी ना, फिर ये वाली से देखूँगी ना, तो फिर मुझे ब्लर दिखता है। सो फिर मुझे पता चला था, फिर वैसे ही हम डॉक्टर के पास गए थे। सो उस टाइम पे थोड़ा टाइम था, बट अब वो टाइम आ गया है कि जब मेरा ऑपरेशन होने वाला है कुछ दिनों में। सो फिर मैंने सोचा कि अब मैं ये वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। सो इसलिए मेरे व्लॉग्स नहीं आएंगे कुछ टाइम तक। और जिस दिन मेरा ऑपरेशन है, उस दिन पता नहीं मैं व्लॉग बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी। सो अगर पॉसिबल हुआ तो बनाऊंगी, बट उसके बाद वो व्लॉग कब आएगा ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकती है बहुत टाइम तक, बहुत क्या आई थिंक 1 महीने तक तो नहीं यूज़ कर सकती, शायद उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो इसलिए व्लॉग्स नहीं आएंगे। सो मुझे यही बात आप लोगों से शेयर करनी थी। और सच बताऊँ ना, पहले तो जब मुझे पता चला था, जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, सो मतलब मेरे दिमाग में ना ये बिल्कुल भी नहीं था कि मतलब कि ऐसा बोलेंगे डॉक्टर। तो जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा, और मैं एकदम शॉक हो गई। वैसे दीदी और मम्मा भी शॉक हो गई, क्योंकि मैं पता क्या सोच रही थी, मैं सोच रही थी कि ये तो ऐसी ब्लर दिख रहा है, तो डॉक्टर कोई मेडिसिन देंगे, कोई ऐसी दवाई से ठीक हो जाएगा, तो मेरे दिमाग में ये था। और जैसे ही डॉक्टर ने बोला, और मैं एकदम शॉक में चली गई, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था ना कि ऐसा भी कुछ होगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे डॉक्टर ने बोला ना, और मैंने वो जो वहाँ पर पर्ची थी ना, वो मेरे हाथ में ही थी, मतलब उन्होंने मुझे दी, मैंने ली, और वो ना बात कर रहे थे मम्मा से, और मैं वैसे ही उठ के ना बाहर चली गई और चेयर पे बैठ गई, ऐसे सर नीचे रख के, और मैं नीचे देख रही हूँ और मतलब ऐसी हो गई मैं मायूस ही, मैं कही यार ये क्या बोल दिया डॉक्टर ने। सच बताऊँ तो मैं ये बात ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मेरे साथ ये हुआ है। तो जब जो होना होता है वो तो होता ही है, उसका क्या कर सकते हैं। और मतलब डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मतलब कि इस एज में ना बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ऐसा होता है, क्योंकि उन्होंने बताया कि जैसी मेरी एज अभी कम है ना, तो मतलब बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि यार मतलब कि अब जो 50 से अप होते हैं ना जो लोग, उनको ये चीज़ ज़्यादा होती है, मतलब कि आईज़ में ऐसी प्रॉब्लम होती है।
तो मैं सोच रही थी कि यार अभी मेरी एज इतनी भी नहीं और मेरी आईज में ऐसा हो गया, मतलब ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। फिर मतलब 2 दिन तक सीरियसली बता रही हूँ मैं, मतलब मेरे दिमाग में यही था कि यार ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या कर लिया कि मेरी आईज में मतलब कि ये प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा मैंने ये तो बताया ही नहीं है कि हाँ कि मेरा ऑपरेशन होने वाला है, क्योंकि मेरी आई में जो है वो कैटरेक्ट है, जिसको कि वाइट मोती कहते हैं, आपको पता ही होगा। सो उसका ऑपरेशन होना है, ये तो मैंने बताया ही नहीं, अब मैं बता रही हूँ। सो हमारी बॉडी का ना कोई भी पार्ट हो ना वो नाजुक ही होता है, बट मैं ये सोच रही थी कि आई सबसे एक नाजुक पार्ट होता है और इसी को ऑपरेशन हो रहा है। बट मुझे ना ऐसा डर नहीं है कि मैं डरती हूँ कि मेरा ऑपरेशन होने वाला है, मुझे बिल्कुल डर नहीं है। मम्मा सोचेंगे कि मैं डर रही हूँ, बट मैं नहीं डरती हूँ। मैं सबको यही बोलती हूँ कि मैंने उस दिन ही बोल दिया था कि हाँ मैं करवा लूँगी, मेरे को कोई वो नहीं है, मैं डरती बिल्कुल भी नहीं हूँ। और वैसे भी जो ऑपरेशन होगा वो मतलब कि उसमें बेहोश नहीं करेंगे, वो ऐसे ही होगा, मुझे सब कुछ पता चलेगा कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है। तो मैंने बोल दिया था कि मेरे को कोई मतलब कि मुझे बिल्कुल डर नहीं है, मैं डरती नहीं हूँ। तो अब मैं ये चीज़ नोटिस करती हूँ कि इस चीज़ को ना काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि पहले मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब कि मैंने ये चीज़ नोटिस कभी नहीं करी। क्योंकि जब मुझे पता चला कि मेरी आईज़ में कुछ ऐसा ऐसा है, तो जब मैं सनलाइट में जाती थी ना, जब मुझे पता नहीं था, तो कभी कभी क्या होता था ना कि आईज के सामने जो मेरी राइट आई है उसके सामने ना कुछ ऐसी लाइन्स सी आती थी, लाइन्स कभी वाइट सी कभी ब्लैक सी, ऐसे नहीं कि मतलब पतली पतली सी लाइन्स आती थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं, इतनी थी कि मैं मतलब मैंने उस चीज़ के बारे में कभी सोचा नहीं। मैं कहा ये तो ऐसे ही होगा, नॉर्मल लिया मैंने, मैं कहा पता नहीं क्या है। तो अब मुझे ये लगता है कि ये चीज़ वही थी जो मतलब मुझे ब्लर, उस टाइम शायद मुझे ब्लर दिखता होगा बट मुझे पता नहीं चला। मुझे पता चला 4 मंथ पहले जब मैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गई थी, फिर मैं ये सोचती कि हाँ ये मुझे ऐसा तो मुझे काफ़ी टाइम से लगता था, बट कभी इतना नोटिस ही नहीं करा कि ये वो चीज़ हो सकती है। तो उस दिन की बात बताती हूँ जब मैं गाँव गई थी, जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला था कि कुछ ऐसा भी है। तो मैं ना मतलब खेत में बैठी थी, स्प्रे कर रहे थे, मतलब ख़त्म हो गई थी स्प्रे करके, तो मैं बैठी थी ऐसी, मैं सामने देख रही थी, सामने सेब के पेड़ थे, मैं ऐसी देख रही और धूप लगी थी। तो मैं सोचूं यार ये आँख के आगे क्या है, मैंने बहुत मतलब कि बहुत बार ऐसा आता है, क्या है ये, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने ऐसे ही ना अपनी आई बंद कर ली, ये वाली ऐसे बंद कर ली, और जब मैंने सामने देखा ना, मैं कहा ये क्या, मुझे तो ब्लर दिख रहा है, और मैं ना शौक हो गई। मैं फिर मैंने पता क्या करा, मतलब मेरे पास हैंकी नहीं था, तो मैंने ऐसे ही अपनी आई को ना मतलब साफ करा कि मतलब ब्लर क्यों दिख रहा है, मैं साफ करती हूँ फिर देखती हूँ। और मैंने साफ करके फिर देखा ना, फिर भी मुझे ब्लर दिख रहा था। मैं कहा यार ये क्या होगा। और उस टाइम पे ना मम्मा वहाँ मेरे साथ नहीं थे, भाई मेरे साथ था। तो मैंने भाई को बोला कि यार मुझे ना ब्लर दिख रहा है मेरी राइट आई से। भाई क्या बोलता, उसने ऐसी मजाक में ले ली मेरी बात, अरे ये तो ऐसे ही है, तो मुझे भी दिखता है। और मुझे ना हंसी आ गई। मैं कहा यार मैं सच बोल रही हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरे को सच में दिख रहा है ब्लर। और मैं ना अपनी आईज को ऐसे ऐसे घुमा रही हूँ, इधर को मेरे को इधर को तो मुझे ठीक दिख रहा है, जब मैं इधर कर रही हूँ तो यहाँ को मुझे ब्लर दिख रहा है, क्योंकि ये वाली आई थी ना इसलिए मुझे यहाँ को दिख रहा था। फिर उसके बाद जब मुझे मम्मा मिले, फिर मैंने मम्मा को बोला कि मेरे को ना ब्लर दिख रहा है राइट आई से। तो मम्मा थोड़ी ऐसे हो गई, कि क्यों ब्लर क्यों दिख रहा है, मेरे को पता नहीं, मैंने तो अभी अभी नोटिस करा। फिर मैं जब घर गई, फिर मैंने दीदी को बोला, फिर बोला कि चलो डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर भी मैं ठीक ही, चलो ठीक है ऐसे दिख रहा होगा दिखा लेंगे। फिर उसके बाद पता क्या हुआ, मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम में ना मैं अपनी आईज को देखने लगी मिरर में। मैं कहा यार क्या हो गया मेरी आईज में, मैं ऐसे देख रही हूँ। पहले मैंने ये वाली आई देखी, मैं कहा क्या आई है, तो मुझे ठीक लग रही है। फिर जब मैंने ये वाली आई देखी ना, जो हमारी आई का जो ये ब्लैक वाला पार्ट होता है ना, और इसका जो मैंने देखा ना, उसका साइज ना बढ़ गया था, इसके अकॉर्डिंग ये नॉर्मल है, इसका देखा तो वो बढ़ गया था। और उसको देखकर ना मैं डर गई, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि ना वो साइज बड़ा हो गया था। और ना भाग के गई दीदी के पास, मतलब किचन गई, मम्मा और दीदी वहाँ थे, और मैं गई ना, मैं कहा दीदी ये देखो मेरी ना मतलब कि, मैंने उनको बताया कि ये वाला जो पार्ट है आई का ब्लैक वाला वो बढ़ गया है। तो वो देख के ना वो भी डर गई कि ये ऐसा क्यों हो गया है, क्या है। फिर मैंने बोला कि ये वाली आई का जैसे बढ़ गया है ना, तभी मुझे ब्लर दिख रहा है, क्योंकि ये वाली आई बिल्कुल ठीक है। फिर वैसे ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और हम डॉक्टर के पास गए। सो ऐसा ऐसा हुआ था जब जिस दिन मुझे पता चला था।
और एक दिन तो मैं ये सोच रही थी कि ये हुआ क्यों, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने तो यही बोला कि आप कहीं गिरे हो, क्योंकि मैं गिरी भी कहीं नहीं थी ऐसे, बचपन में नॉर्मल थोड़ा बहुत तो गिरती रहते थे, बट मुझे नहीं लगता कि उस वजह से ऐसा कुछ हुआ है। और अगर किसी को शुगर हो उस वजह से भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बट मैंने टेस्ट करवाया था उसकी वजह से भी ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे जब पता चला था ना उसके कुछ टाइम बाद, तो मेरे दिमाग में एक बात आई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये उस वजह से हो सकता है, क्योंकि ये ना मतलब उस टाइम पे ना मैं बहुत छोटी थी, बट मुझे ना वो बात याद है, मैं कितनी छोटी थी, बट एज तो मैं नहीं बता सकती हूँ, शायद 9-10 साल की या इससे कम भी हो सकता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। तो मुझे ये लगता है ना उस टाइम पे ना दिवाली थी, मुझे वो बात याद है, तो मैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है उस वजह से शायद मेरी आई में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये बात है, उस दिन दिवाली थी और मैं बढ़िया मज़े से ना मतलब दिवाली मतलब कि पटाखे फोड़ रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, कैसे होते हैं बच्चे का कितना शौक होता है ना, और मुझे ना मेरा फेवरेट फेस्टिवल हमेशा से दिवाली था, तो दिवाली के दिन तो ना मैं खूब मज़े करती थी। तो उस दिन क्या हुआ कि शॉप के सामने मैं, हमारी शॉप ओपन थी, मम्मा सब लोग वहाँ पर थे, तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, तो मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ ना मतलब खेल रही हूँ, पटाखे फोड़ रही हूँ, तो क्या हुआ कि अनार जलाया किसी ने अनार जलाया, तो हम क्या करते थे सारे फ्रेंड्स, उसके सामने ऐसे खड़े हो जाना फिर उछलना, और मैं वैसे ही कर रही थी, जैसे वो जलाया ना ऊपर जाता है ना, जैसे मतलब अनार ऐसे ऊपर जाता है, तो मैं ऐसे उछल रही ना, और मैंने ना ऐसे उसके साइड ऐसे ऊपर को देखा, जैसे ऐसे को जाता है ना, तो मैं ऐसे उसकी साइड देख रही और उछल रही ऐसे करके, और क्या हुआ कि जैसी वो उसे निकलती है ना, वो चिंगारी सी क्या निकलती है, और वो ना सीधा ऊपर जाके ना मेरी आई में चली गई, मुझे याद है बहुत ही अच्छे से, और ये भी याद है कि वो यही वाली आंख थी मेरी, और वो गया ना सीधा मेरी आंख में, और मुझे याद है कि वो यहाँ, और मेरे को ना इतनी ज्यादा जलन हुई उस टाइम पे, और मैंने क्या किया, मैं ना भाग के ना वॉशरूम में गई, मुझे बहुत ज्यादा जलन हुई, तो फिर जैसे मैंने ना ठंडा पानी अपनी आंख में डाला, तो पता नहीं क्या था वो, कुछ इतना मतलब छोटू सा था बिल्कुल ही, मैं कैसे बताऊँ क्या चीज था वो मुझे नहीं पता, बट मैंने ना वो यहाँ से निकाला, इस तरह से निकाला और मैंने फेंक दिया, फिर उसके बाद जब मैंने पानी डाला तो फिर नॉर्मल हो गया, और फिर उससे मैं चली गई खेलने के लिए, मतलब पटाखे फोड़ने के लिए, और ये बात ना मैंने किसी को भी नहीं बताई उस टाइम पे, क्योंकि छोटी थी ना बस खेलने में ही मस्त थी, बट ये बात मुझे याद थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है उस वजह से ऐसा हो, बट मैंने किसी को नहीं बताया, घर में भी मैंने उस दिन ही बताया, तो फिर मुझे बोलते कि तूने बताया क्यों नहीं, मैं कहा पता नहीं मुझे तो याद ही नहीं, मैं तो खेलने में ही मस्त थी, तो इसलिए मुझे लगता है कि जब बच्चा छोटा होता ना तो उसको उसका ध्यान रखना, मैं आप लोगों को ये चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि कुछ पता नहीं चलता है कि कब क्या हो जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये उस वजह से हो सकता है, क्योंकि उसके बाद से ना मुझे आई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, और अब ऐसा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है उस वजह से, क्योंकि और कोई रीज़न तो मुझे नहीं लगता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और मैं ट्राई करूँगी कि जिस दिन मेरा ऑपरेशन है वो व्लॉग मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ, अगर पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर करूँगी, बट कब आएगा वो मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर पाऊँगी, अगर मैं बनाऊँगी तो शायद दीदी एडिट कर लेंगे, जो भी होगा तो व्लॉग आ जाएगा, वरना शायद लेट भी आ सकता है। तो यही था आज के व्लॉग में, अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।